So hello guys welcome back to my channel English pleasures with Shasta I am Shasta so without any further delay let's get started so my dear friends this video is basically for all the students who are preparing for DLEd JBT 2021 CET exam so in the previous video I have shared the syllabus of English as you can see it's visible on your screen opposite words antonyms synonyms fill in the blanks of articles gender prepositions collective noun and verb and etc etc so on to number so as you all know that i have make it clear in the previous video that i will be sharing more videos and will complete the syllabus of english so that you कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश विदाउट एनी डिफिकल्टी तो माई डियर फ्रेंड्स और मैं जो हूँ अब इस वीडियो में आपको एंटोनिम्स इनोनिम से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ आई नो दे आर द टॉपिक वन एंड टॉपिक टू एंटोनिम एंड सीनोनिम्स मैं आपको थर्ड टॉपिक जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स आज मैं आपको आर्टिकल्स के फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो करवाऊंगी ओके okay? आर्टिकल्स के फिल इन द ब्लैंक्स करवाने का मेरा यही रीज़न था बिकॉज एंटोनिम्स सिनोनिम्स एज यू ऑल नो दैट आपको बचपन से ही पता है यू आर स्टडिंग दैम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर स्कूल सो मैंने आर्टिकल्स इसलिए ज़रूरी समझे बिकॉज आई हैव मेड टू वीडियोज़ ऑन आर्टिकल्स एंड वहाँ पर मैंने पूरे का पूरा क्लियर किया है तो अगर आप चाहते हैं सो डियर फ्रेंड्स जैसे ही आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे एस यू कैंसी प्ले लिस्ट इस पर जाएंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही जो है वो डी एल एड एच पी जे बी टी सी ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो है वो आपको दिखेगा सो so, यहाँ पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो थ्री वीडियोज़ जो है वो खुलेंगे लाइक दिस थ्री वीडियोज़ जो हैं आपके सामने खुलेंगी सो so, मैंने आर्टिकल्स इसीलिए स्टार्ट किए बज़ द रीज़न इज़ कि ये जो टू वीडियोज़ हैं लेक्चर टू सॉल्विंग एक्सरसाइजेज़ ऑन आर्टिकल्स एंड लेक्चर टू आर्टिकल्स जो मैंने आपको ये पढ़ाए हैं यहाँ पर सो so, रीज़न इनका यही है कि आप यहाँ पर अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है आज की वीडियो में वैसे मैं क्लियर कर दूंगी आर्टिकल्स लेकिन फिर भी अगर किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप ये दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें और ये जो है लेक्चर टू सॉल्विंग एक्सरसाइजेज़ ऑन आर्टिकल्स इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि एक्सरसाइज जो आज मैं सॉल्व कर रही हूँ वो किस बेसिस पे कर रही हूँ आज मैं डिटेल पे वीडियो बना दूंगी आज भी मैं डिटेल वीडियो ही रखूंगी मैं आपको हर एक कांसेप्ट क्लियर करूंगी लेकिन फिर भी जो है अगर आपको फर्दर डिफिकल्टी आ रही है कोई तो आप इन दोनों वीडियोस को जो है वो जरूर देखें सो so, यही रीजन था मेरा आज स्टार्ट करने का आर्टिकल्स टॉपिक से सो डियर फ्रेंड्स ये कुछ एक्सरसाइजस हैं आर्टिकल से रिलेटेड इधर मैंने कोशिश की है इस टॉपिक में इस वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर करने की कि जितने भी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं कवर कर सकूं। आई हैव टेकन 2018 क्वेश्चन पेपर 2017, 15, 12 फिफ्टीन ट्वेल्व एंड टेन आई थिंक सो ये मैंने क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं सो so, मैं इनका आपको बता दूँगी और फर्दर जब मैं लास्ट में सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सारे टॉपिक्स के जो है वो आपको एक तरीके से क्लियर कर दूंगी मैं मिक्स क्वेश्चंस जैसे कि जे में आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको दूंगी सो so, आपने उनको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करनी है सो लेट गेट स्टार्टेड यहाँ पर आ आपके आर्टिकल्स मैंने लिखा ही एज़ यू ऑल सी जे बी टी एच पी डीएल एट प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश गंगा इज अ सेक्रेट रिवर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टू थाउजेंड एटीन में आया है डैश गंगा इज अ सेक्रेट रिवर एज यू ऑल नो दैट गंगा इज अ सेक्रेट प्लेस गंगा इज अ सेक्रेट प्लेस और एक पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है विच इज गंगा दैन वी विल इंसर्ट द then the correct option is the we will insert the here the ganga okay so next is he is dash european he is dash european here you can see european european although it start with the vowel e but its pronunciation is

के साथ आपको पता है क्या लगता है ओ लगता ही इज अ यूरोपियन ओके थर्ड इज इट वॉज एक्सीलेंट मील लास्ट नाइट इट वॉज एक्सीलेंट मील लास्ट नाइट अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ई के साथ हो रही है एक्सीलेंट एक्स ए स्टार्ट हो रहा है ना वो ए वर्ड जो है वो ई e को डिनोट कर रहा है सो so, इसका होगा एंड इट वॉज एन एक्सीलेंट मील लास्ट नाइट नेक्स्ट इज फोर्थ My brother is dash M B A. My brother is dash MBA. M consonant insert. Lekin aisa kuch bhi hai. You have to see the pronunciation of the word. M B A is pronounced as M. A. I have made you clear in the third sentence that a is denoting E. The word E. So my brother is an MBA. Is an M B A. Clear? Fifth is

यू कैन से क्रीड को एक सोसाइटी को डिनोट करता है जो कि पुअर सोसाइटी होती है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात हो रही है पर्टिकुलर क्रीड की बात हो रही है करेक्ट आंसर ऑफ इज दो नेक्स्ट पेज सेवेंथ डैश गीता इज द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज एज यू ऑल नो दैट गीता इज द पर्टिकुलर बुक ऑफ द हिंदूज सो Here's no need to think about the pronunciation. We will insert the here. Eighth is, each of the winners was given dash prize. Each of the winners was given dash prize. A prize ki pronunciation, PC star a prize. Per. So it's a consonant. That's why we will insert O. Okay. It's clear to you. सो so नाइन्थ आ जाएगा आपका द टीचर वॉज अवॉर्डिड डैश हॉन फॉर हिज़ हार्ड वर्क अब टीचर वॉज अवॉर्डेड डैश ऑनरेरियम फॉर हिज़ हार्ड वर्क अब टीचर को जो है वो एक ऑनरेरियम ऑनरेरियम जो होता है एक पेमेंट होती है सर्विस के लिए एक पेमेंट फॉर सर्विस किसी तरीके की सर्विस की हो यू कैन से सैलरी फॉर हिज़ हार्ड वर्क सो द टीचर वॉज अवॉर्डेड डैश ऑन अब इसकी प्रोनान्सिएशन एच से नहीं है जैसे कि आपके बाकी वर्ड्स होते हैं ऑन नेस्ट तो इनकी भी ओ से स्टार्ट होती है प्रोनाशिएशन तो सेम जो ऑन ऑ रेडियम है इसकी प्रोनाशिएशन ओ से स्टार्ट हो रही है देन वी विल इंसर्ट एंड हेयर टेंथ इज डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल डैश गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल अब गोल्ड एक पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है तो गोल्ड आपको पता है पर्टिकुलर ही है मेटल सो वी विल इंसर्ट द हेयर माई सन गोज टू डैश स्कूल एवरी डे बाय बस माइ सेंड गोस टू डैश स्कूल एवरीडे बाय बस इसमें जो है वो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा बिकॉज मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया था जो मैंने इंट्रोडक्शन दी थी आर्टिकल्स की उसमें मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे और मैंने क्लियर किया था कि कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है बिफोर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बेड चर्च जेल एक्सेट्रा बिकॉज इधर हम जब जाते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़, चीज़ के लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है यहाँ पर हम जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए जब हम जाते हैं तो कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं सो द लास्ट इज दिस इज डैश बेस्ट जोक आई हर्ड ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जोक था जो मैंने आज तक सुना दिस लाइन मीन तो इधर एक देखो अब आप देख सकते हैं बेस्ट जोक। दिस इज द बेस्ट जोक आई है आई हर्ड मतलब ये आज तक का सबसे बेस्ट जोक था जो मैंने जो है वो पढ़ा है सो so, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एक पर्टिकुलर जोक की बात हो रही है ये जोक जो है वो एक बेस्ट है तो पर्टिकुलर एक बेस्ट जोक की बात हो रही है तो वी विल एंसर द हेयर सो इट्स ऑल अबाउट टुडे अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको क्लियर कर दूंगी कि मैं किस पे वीडियो बनाने लगी हूँ आर्टिकल्स आपका क्लियर हो गया है आर्टिकल्स की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया चैनल की प्ले में जाके आप देख सकते हैं सो इट्स ऑल अबाउट टुडे और अगर कुछ फिर भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें मैं कमेंट सेक्शन में आपको आर्टिकल्स की जो नोट्स वीडियो है उसको भी अटैच कर दूंगी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी exercises जो आर्टिकल्स के हैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मैं इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो भी क्वेश्चन जिस तरीके के आ सकते हैं तो आपको पता लग ही गया इस पैटर्न को देख के कि ज़्यादा नहीं थ्री या फोर क्वेश्चन या मैक्सिमम थ्री क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं सो so, आपने ये चीज़ अगर समझ ली कि प्रोनान्सीशन पे बेस्ड है ये सारी चीज़ें तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आप आर्टिकल्स में यू कैन से फ्री के नंबर हैं ये थ्री या फोर नंबर जो भी होंगे ये फ्री के होंगे और आपने बचपन से चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन आई एम श्योर थोड़े रॉन्ग वे से पढ़ाई गई होंगी बिना प्रोनासीशन के लेकिन अब आपको पता लग गया है राइट वे टू इंसर्ट द आर्टिकल बिफोर द वर्ड सो अब आपको पता लग गया है तो अब आप जो हैं इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और मैं जब सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर ख़त्म कर दूंगी तो मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो अलग से बना के डाल दूंगी सो थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग मी